I think this is my first participation predominantly women activity. लेकिन हम लोग ऑफ कोर्स सारी चीज़ें घर में इधर उधर देखते होते हैं और जो कंसर्न्स और जो होप और जो चीज़ें सामने आ रही हैं ऑफ कोर्स वो रेजोनेट करती हैं दिल के साथ. पहली बार जी मेरा नाम गुलाम अली है और मैं रन कर रहा हूँ ilmkidunia.com प्लेटफॉर्म है हमारा एजुकेशन का, क्योंकि आप में से भी काफ़ी लोग एजुकेशन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं. तो इस प्लेटफॉर्म पर हम तकरीबन 5 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स को हर महीने टच कर रहे होते हैं और फ्री में उनको एजुकेशन और एजुकेशन का कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स और इस तरह की टेस्ट असाइनमेंट, इस तरह की चीज़ें उनको डिलीवर करते हैं. जहाँ तक बात है वुमेन लीडरशिप की, तो मैं समझता हूँ कि मेरा अपनी लाइफ पे उसका बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इम्पैक्ट रहा है. उस सेंस में कि सून आफ्टर माई स्टडीज जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया दैट वॉज रन बाई वंडरफुल ग्रेट लेडी, और मैं समझता हूँ उस वक्त वो जो मेरा एक डिसीजन था उस कंपनी को ज्वाइन करने का, क्योंकि मैं सब मुझे जो लगता है वुमेन आर वेरी गुड एट मेंटोरशिप, अच्छी टीचर हैं, गाइड अच्छा करती हैं, और प्रॉबली दैट इज़ द रीज़न कि वो मेरी अच्छी ट्रेनिंग हुई एंड देन आई केम टू एस्टैब्लिश माई ओन कंपनी. अच्छी कंपनी इस्टेब्लिश कर ली, पहला तो क्या लगे यहाँ पर एक वुमेन का रोल आ गया बड़ा मज़े का. उसके बाद कंपनी इस्टेब्लिश की ना, तो क्या लगे एक फैमिली प्रेशर होता है यार जॉब शॉप करो, क्या किन चक्रों में पड़ रहे हो. एंड जो सबसे पावरफुल जो पिलर था जिसने मुझे सपोर्ट किया दैट वॉज माई मदर, क्योंकि बाकी ज़ाहरी बात आई थिंक जो फादर है या ब्रदर है बाकी उनका कंसर्न प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर, इस बारे में मैंने कभी खुल के बात नहीं की, बट आई थिंक उनका कंसर्न हो गया ओके गो टू सम सॉर्ट ऑफ जॉब, कोई फटाफट अर्निंग क्रिएट करो. लेकिन आपको पता है कि आप बिजनेस सेटअप करते हैं, कोई एंटरप्राइज सेटअप करते हैं, दैट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म विजन, एक उसमें सब्र चाहिए, उसमें पेशेंस चाहिए. तो इट वॉज द मदर के हु सपोर्टेड के नहीं करें, उसमें जो उनकी जमा पूंजी होती है जो उन्होंने कोने खुदरे में रखी होती है वो भी उन्होंने सपोर्ट की. ऑफकोर्स दैट इज़ नॉट मच बट दैट वॉज गुड इनफ टू स्टार्ट. और सबसे अहम चीज़ होती है मॉरल सपोर्ट, तो दैट वॉज देयर. तो दैट इज़ आई थिंक एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट पड़ा कि एक ऐसी एंटरप्राइज में बना सका जो आज ना सिर्फ बहुत सारे मेल स्टूडेंट बल्कि फीमेल स्टूडेंट का सपोर्ट करती है. तो इन जो लीडरशिप है मेरी नज़र में देखिए ये अब वो नहीं है कि पावर चाहिए, वो डंडा चाहिए बहुत, इसमें जैसे पहले ज़माने में था कि जी पावरफुल बंदा ही लीडर बन सकता है, अब एक इंटेलिजेंट बंदा भी लीडर बन सकता है. इसलिए आई बिलीव कि जो वुमेन है ये बींग वेरी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट क्रिएटिव हैं, इसके साथ साथ दे कैन मेंटोर पीपल, दे कैन टीच पीपल, गाइड पीपल, दे आर बेस्ट लीडर्स जो बन सकते हैं आगे. और अब वो गैप्स ख़त्म हो गए, जैसे टेक्नोलॉजी से मैं बिलोंग करता हूँ, टेक्नोलॉजी ने वो गैप ख़त्म कर दिया कि रिसोर्सेज आर एक्सेस सिर्फ मैन की है, कोई वुमेन भी इक्वली उस तक एक्सेस कर सकती है, चाहे वो साइंटिफिक नॉलेज है चाहे कोई भी चीज़ है. तो टेक्नोलॉजी बाउंड्री जब ख़त्म कर दी है तो लीडर्स जो है वुमेन भी उसी तरह इफेक्टिव बन सकते हैं. तो लीडरशिप की अगर आप करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो उसमें जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं आई थिंक मेजॉरिटी वुमेन में पाई जाती हैं, मैन में भी होती हैं लेकिन वुमेन में ज़रा ज़्यादा है. लाइक उसमें क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेशन है, उसी तरह से फर्दर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं आई थिंक दे आर मोर टूवर्ड्स वुमेन. सो हैट्स ऑफ टू फ्यूचर लीडर्स, आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम मजीद वुमेन लीडर्स देखेंगे. थैंक यू मच, बहुत बहुत शुक्रिया.